अब वहीं उमेश पाल हत्याकांड में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ कि उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन से सभी शूटर मिले थे। शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल हत्याकांड में अहम भूमिका निभाई थी। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी शूटर शाइस्ता परवीन से मिले और तब से शाइस्ता गायब है। शाइस्ता परवीन की ये तस्वीर अब सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज से है, जहां वो फोन पर बात करती हुई दिख रही हैं। लेकिन अब ये कॉन्फर्मेशन है कि हत्या को अंजाम देने के बाद, उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के बाद सभी शूटर शाइस्ता परवीन से मिले थे। अब वहीं अतीक अहमद मर्डर केस को सुलझाने में जुटी पुलिस हर रोज नए नए राज खोल रही है। हालांकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अब तक फरार है, उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही है। आरोपी शाइस्ता परवीन की ये दो तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको अब स्क्रीन में दिखा रहे हैं। इनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें कुछ ही दिन पहले की हैं, यानी फरार शाइस्ता परवीन की हैं। एक में वो हंसती हुई दिख रही हैं, दूसरे में वो अब फोन पर बातें करती हुई दिख रही हैं। फरार होने के बाद मिली ये तस्वीर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपीएसटीएफ को एक सीसीटीवी वीडियो मिला है जिसमें शाइस्ता परवीन किसी से मोबाइल फोन पर बात करती दिखी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों तस्वीरें उसी सीसीटीवी वीडियो से निकाली गई हैं। हालांकि यूपीएसटीएफ को ये फोटो कहां से मिली, इसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में फिलहाल पुलिस ने कुछ नहीं बताया। एसटीएफ शाइस्ता को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश भी दे रही है। शाइस्ता परवीन लगातार अपने लुक को भी बदल रही है। वो बार बार बदल रही है होलिया, वो हर बार दे रही है चकमा। वो कहां छिपी है किसी को नहीं पता। तस्वीर नंबर एक, तस्वीर नंबर दो, तस्वीर नंबर तीन, जिस शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से लेकर लखनऊ और नोएडा से लेकर दिल्ली तक ढूंढा जा रहा है, वो कहां छिपी है, कौन उसकी मदद कर रहा है, उसका अगला प्लान क्या है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस बीच एक एक कर उसकी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हर बार शाइस्ता परवीन का हुलिया बदला हुआ दिख रहा है। कभी वो नकाब में दिखती है, कभी बिना नकाब के, तो कभी शाइस्ता परवीन का पूरा चेहरा ढका होता है। जो 20 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता परवीन का कुछ पता नहीं चल पाया। अलग अलग जगह, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन का सुराग नहीं मिल पाया। इस बीच वो अपना हुलिया बदल रही है। 13 अप्रैल को जब असद का एनकाउंटर हुआ था, उस वक्त भी पुलिस को लगा था कि शाइस्ता असद के जनाजे में हुलिया बदल कर शामिल हो सकती है, जिसके लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। लेकिन तब शाइस्ता परवीन सामने नहीं आई, और तब भी नहीं जब शाइस्ता के पति और माफिया सरगना अतीक अहमद की हत्या हो गई। दरअसल शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है। शूटरों से मिली थी शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता से मिले थे सारे हथियारे। जी हाँ, जो शूटर्स थे वो सब शाइस्ता से मिले थे, ना केवल हत्या से पहले बल्कि हत्या के बाद भी। पुलिस के सोर्सेस का कहना है कि शाइस्ता ने ही इन शूटर्स को फाइनेंस किया। एक एक शूटर को 50,000 रुपए दिए। हत्या से पहले भी ये शूटर शाइस्ता परवीन से मिले। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन ने गैंग की कमान संभाली और उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी प्लानिंग की। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता ने प्लानिंग की थी। हत्याकांड से पहले और बाद में शाइस्ता परवीन शूटरों से मिली थी। हत्याकांड के बाद शाइस्ता परवीन ने शूटरों को 50,000 रुपए दिए थे। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल हत्याकांड को ऑपरेशन रेड नाम दिया था,
जिसको अंजाम देने के बाद शूटरों को पैसे देकर प्रयागराज से बाहर भेज दिया था। और फिर जब असद का एनकाउंटर हुआ और अतीक और अशरफ की हत्या हो गई तो शाइस्ता परवीन खुद भी फरार हो गई, जो लगातार हुलिया बदल रही है, जो लगातार ठिकाने बदल रही है। अब वहीं उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के परिवार पर दबिश जारी है, परिवार के कई सदस्यों पर इनाम रखा गया है। वहीं पुलिस के एक्शन के बाद कई लोग फरार भी चल रहे हैं। अतीक अहमद, उसकी हत्या हो चुकी है। अशरफ अहमद, अतीक का भाई, वो भी मर चुका है। असद अहमद, अतीक का तीसरा बेटा, वो भी एनकाउंटर में मारा गया। शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी, फिलहाल फरार चल रही है। जैनब फातिमा, अशरफ की पत्नी, वो भी फरार चल रही है। आयशा नूरी, अतीक की बहन, वो भी फरार चल रही है। उंजिला नूरी अतीक की भांजी है, वो भी फरार चल रही है। अखलाक, अतीक की बहन का पति, वो इस वक्त जेल में बंद है। उमर, अतीक का बेटा, वो जेल में बंद है। अली, वो भी अतीक का बेटा है, वो भी जेल में बंद है। और फिर दो नाबालिग बेटे, वो फिलहाल बाल संरक्षण गृह में हैं।